नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 दिसंबर 2022, और यहां पे 12 दिसंबर 2022 के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, सोमवार मंडे के लिए। अगर तीन स्टॉक्स के लेवल बताने से पहले बता दूं कि कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। अगर आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स मिलते हैं। बता दूं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच दिसंबर 2022 के लिए अनाउंस हो चुका है, तो आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, किस तरह से ट्रेड करना है, स्टॉक सिलेक्शन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा, एक सिंपल तरीके से कैसे आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इनरोल करना होगा मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स दिसंबर 2022 बैच के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। देखिए आज मैं प्रेजेंटेशन बना कर नहीं दे पा रहा हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा बोर्ड पर कि ये पहला स्टॉक है हैवल्स। सबसे पहला स्टॉक है हैवल्स, आपको सामने में स्टॉक के नाम भी दिख रहा है और मैं यहाँ पे भी लिख भी दिया हैवल्स। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख लें कि पहला स्टॉक है हैवल्स। हैवल्स का ना ये डेली का चार्ट है दोस्तों, ये डेली का चार्ट। मैंने कई बार बोला है कि स्टॉक को लेने से पहले, बाय सेल करने से पहले आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि अगर रीज़न पता होगा ना तभी आप विज़न क्लियर कर पाएंगे, है ना। बिना रीज़न के कोई विज़न क्लियर नहीं होगा। तो देखिए इसने डेली के चार्ट पे बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ था, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट था। देख रहे हैं इसी सपोर्ट से ये बार बार बाउंस हो जाता था ऊपर की साइड में, बार बार बाउंस हो जाता था ऊपर की साइड में, लेकिन काफ़ी दिनों बाद इस सपोर्ट एरिया को हैवल्स ने नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली कमजोर हो गया, वीक हो गया है। अगर आपको इसमें रिवर्सल मिलते हैं साइन, तो आपको बाय करना होगा दोस्तों 1188 रुपये के ऊपर, बाय वो 1188, और स्टॉप लॉस लेके चलना होगा 1181 रुपये का, 1181 का। तीन टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट ले लीजिए 1195 रुपये का, 1195। दूसरा टारगेट होगा 1202 रुपये, 1202 का। और तीसरा टारगेट की बात करूँ तो 1209 की बात करेंगे, 1209। देखिए आपको वीडियो में ठक ठक की आवाज़ जा रही होगी, तो ये इसमें वीडियो में प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली बगल वाले घर में कुछ काम चल रहा है तो वहाँ से आवाज़ें आ रही है ना, तो उसके लिए इग्नोर करके आप चलिए। तो 1188 के ऊपर खरीदना है, 1181 का स्टॉप लॉस, 1195, 1202 और 1209 का तीन टारगेट होगा बाय साइड में। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ज़रूर सेल करिएगा, सेल के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1180 के नीचे सेल बिलो 1180। और अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 1187, 1187 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। सेल साइड के जो तीन टारगेट होंगे, पहला टारगेट होगा 1173, 1173। दूसरा टारगेट होगा 1166, 1166। और तीसरा टारगेट होगा 1159, 1159 रुपये का। तो ये पहला स्टॉक है दोस्तों हैवल्स, इधर बाय साइड का लेवल है, इधर सेल साइड का लेवल है। बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ, लेकिन उसके पहले बता दूं कि आपको शुरू के 5 मिनट अवॉइड करके चलना है, उसके बाद देगा स्टॉक बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये है पहला स्टॉक। अब बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक जिसका नाम है JSW स्टील। देखिए मेटल में भी आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिला, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला, और अब मेटल में क्या हो रहा है ये समझते हैं। तो इसके 15 मिनट के चार्ट को पहले फॉलो करिए आप। 15 मिनट के चार्ट को जैसे ही आपने JSW स्टील में लगाया तो आप सेम कंडीशन हैवल्स वाला देख रहे हैं कि यहाँ जो सपोर्ट एरिया था, जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया नीचे गिर रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया इसको ब्रेक करके ऊपर गया, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट पे यहाँ, और इस सपोर्ट से ये बाउंस किया और इसी सपोर्ट के पास में फिर से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये डाउन कर देता है तो सेलिंग में चला जाएगा, अदरवाइज यहाँ से फिर रिजेक्शन मिलकर बाय साइड में जाएगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं JSW स्टील को तो ज़रूर खरीदिए 745 रुपये के ऊपर, बाय अब 745, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 739, 739 रुपये का। और जो टारगेट लेके चलेंगे वो 751, 751 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 757, 757 का, और तीसरा टारगेट होगा 763, 763 रुपये का। तो ये बाय साइड का है। अगर आपको सेल करना है तो ज़रूर सेल करिए,
मैं आपको यहाँ पे सेल के लेवल लिख देता हूँ। सेल बिलो 736, 736 रुपये के नीचे सेल करना है, और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 742, 742 का। पहला टारगेट सेल साइड में 730, 730, दूसरा 724, 724, और तीसरा 718, 718 रुपये का रहेगा। तो ये सेकेंड स्टॉक है दोस्तों JSW स्टील। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुँचे तो ज़रूर अपना 50-70% क्वान्टिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। और अब बढ़ूंगा तीसरा स्टॉक की तरफ में, जिसका नाम है देखिए FMCG सेक्टर का मैरिको। अब मैरिको का ये जो अगर चार्ट देखें छोटा करके, तो आप देखिए कि कितने ज़बरदस्त तरीके से मैरिको ने बहुत बड़ा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, और ये लगभग 7 नवंबर के बाद अब स्टॉक दोबारा से इस प्राइस को क्लेम करता हुआ नज़र आया जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। आप इसको थोड़ा छोटा करके देखेंगे तो आपको ये डेली के चार्ट पे भी शानदार तरीके से राउंडिंग बॉटम नज़र आएगा बनता हुआ, है ना। तो मुझे लग रहा है FMCG सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है, तो मैरिको चॉइस है इस कंडीशन में तीसरा स्टॉक, तो खरीदेंगे मैरिको को। अगर ये ऊपर के लेवल 526 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, बाय अब 526, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 522 का। पहला जो टारगेट होगा वो 530 का होगा, 530 रुपये का। दूसरा टारगेट 534, 534 का, और तीसरा 538, 538 रुपये का लेके चलेंगे। ये बाय साइड का हुआ। अगर आपको सेल करना है तो ज़रूर सेल करिए। सेल के लेवल में यहाँ पे लिखता हूँ, सेल बिलो हो जाएगा मैरिको 520 के नीचे, सेल बिलो 520, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 524, 524 का, और सेल साइड का जो टारगेट होगा वो 516 पहला, दूसरा 512, 512 रुपये का, और तीसरा 508, 508 रुपये का। तो ये तीन टारगेट होगा मैरिको में, ये ध्यान रखना है दोस्तों। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी नहीं करना, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करना है। तो वीडियो और एनालिसिस पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।